ये बच्चा बर्फ की बाल्टी में बंद था। वह भागना चाहता था और बर्फीली जमीन पर रेंगना चाहता था। जल्द ही दादाजी ने खाली बर्फ की बाल्टी देखी। वह बहुत गुस्से में बच्चे के सामने खड़ा था, लगातार बच्चे को धमका रहा था और बच्चे को नाश्ता तैयार करने का आदेश दे रहा था। लेकिन एक दयालु व्यक्ति ने उसके लिए नए कपड़े तैयार किए और बच्चे को एक तौलिया दिया। बच्चे ने जल्दी ही अपना शरीर सुखा लिया। उस आदमी ने बच्चे की मदद करने का फैसला किया। उसने बर्फ को तोड़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया और एक मछली पकड़ ली। बच्चे ने मछली को गले लगा लिया। वह बहुत खुश है। बच्चे को संतरे के जूस का एक डिब्बा मिला और उसने उसे काटने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल किया। संतरे के रस से पीसी हुई बर्फ कप में गिर गई। हालांकि जब दादाजी ने नाश्ता देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नाश्ता जमीन पर भी फेंक दिया क्योंकि वह गर्म नाश्ता चाहता था। दादाजी ने बच्चे को सिगरेट दी और उसे जलाने के लिए कहा, लेकिन बच्चा नहीं हिला। हरा धुआं दूर चला गया। इसे बच्चे के भाई बहन ने देख लिया। उन्होंने बच्चे को बचाने का फैसला किया। भाई बहन बर्फीले झरने पर चढ़े। बच्चा पिंजरे में बंद था। उन्होंने बच्चे को बचा लिया। बच्चे को एक स्नोमोबाइल मिला। फिर वह तुरंत भाग निकला।